शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है, भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। इंडिया के अंदर एक लोकल गुंडे हैं नरसिंहानंद सरस्वती। अब ये असल में इंडिया भर में बदनाम है अपनी गंदी जबान की वजह से, और इनको गोदी मीडिया प्रमोट भी करता रहता है। जब भी टीआरपी किसी चैनल की गिरने लगती है तो उसको बुला लेते हैं, और ये वहाँ टीवी पे आकर और अनाप शनाप बातें करता है तो थोड़ा सा टीआरपी बढ़ जाती है उस चैनल की। अब नरसिंहानंद सरस्वती ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जब जंग शुरू हुई तो इसराइल को एक ऑफर दी। उसने कहा कि भाई मैंने ज़िंदगी में बस 1000 अपने फॉलोअर जमा किए हैं, अब एक काम करिए, हमें वीज़ा शीज़ा दीजिए और हमारे रहने खाने पीने का और ये सारा बंदोबस्त कीजिए और उधर मंगवाइए हमें इसराइल, तो हम वहाँ जाकर इसराइल के लिए लड़ेंगे 1000 सोल्जर्स अपने। अब इस पर गालबन इसराइलियों ने इनको नॉन सीरियस लिया, क्योंकि उनको पता था कि इस तरह के जो लोग हैं ना, अनफिट किस्म के मोटे और बूढ़े बाबे, ये क्या जंग लड़ेंगे। इसराइली जानते हैं हमास वालों को, किस तरह के फाइटर्स हैं वो, तो उन्होंने इसको नॉन सीरियस लिया। लेकिन इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर लड़ ज़रूर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के इसराइली वहाँ पर मौजूद हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था ब्रॉडर व्यू के अंदर कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ पे एक बनी मनाशे नाम की कम्युनिटी रहती है, कुकी और मिज़ो ट्राइब्स के अंदर। वो अपने आप को जुडाइज़म से लिंक करते रहते हैं, तो उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो इसराइली फौज के अंदर लड़ रहे हैं। आज एक सोल्जर था एक इसराइल का, वो मारा गया वहाँ पर, और ये डिमोना शहर से ताल्लुक़ रखता था। इसराइल का डिमोना शहर है जहाँ पे उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इसराइल के वहाँ पर आए डिमोना में, तो ये वहाँ पर ताल्लुक़ रखता था, तो ये मारा गया वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि इन वाकियात के बाद नरसिंहानंद साहब की ऑफ़र अभी तक अवेलेबल है इसराइल को या उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं नाज़रीन, कई मरतबा यहाँ ब्रॉडर व्यू में कह चुका हूँ, ये इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। इंडिया के अंदर मेरे बेशुमार दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे बहुत सारे, और मैं इंडियन सोसाइटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो बीजेपी जीत के आई है ना, इसमें ये सारा हिंदुत्व का फैक्टर नहीं है। आपको एक बात बताऊँ, 2014 में जो मोदी जीता है ना, तो गुजरात मॉडल करके इन्होंने मीडिया में एक छवि क्रिएट की थी, इंप्रेशन कि ये कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये जब आएगा तो इंडिया में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, इस तरह का वोट इसको ज़्यादा मिला था। ये हिंदुत्व का वोट है ना, इनको ख़त्म करेंगे, उस कम्युनिटी को ख़त्म करेंगे, ये ज़्यादा नहीं है। असल में ज़्यादा वोट इनको ये मिला था, कांग्रेस मुफ्त भारत करेंगे, ये बेड गवर्नेंस करते हैं, मोदी का गुजरात मॉडल और कहां से कहां गुजरात को पहुंचा दिया, इस तरह की चीज़ों की वजह से। लेकिन 10 साल के बाद वो जो एक ब्रांड मोदी था वो तो गिर गया है। बहरहाल इस इंडियन लिंक के अलावा एक और आज बड़ी खबर ये आ रही है कि वो जो 7 अक्टूबर को हमास वालों ने कहा था कि हमने ये जो हमला किया है इसके पीछे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, और बहुत सारे एनालिस्ट ये मान रहे थे कि इनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें एक ये भी है कि अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन को तब तक रुकवाया जाए जब तक फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं हो जाती, ये उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। अब कल मैंने आपको बताया था कि उर्दुन ने, जोर्डान जो है उसने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया इसराइल से। जोर्डान जो था उन पहले ममालिक अरब ममालिक में से एक था, मिस्र और जोर्डान, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन की थी, तो उन्होंने अपने ताल्लुकात इसराइल से ख़त्म कर दिए। ख़त्म ही नहीं किए, अपने सिर्फ एम्बेसिडर को नहीं बुलाया, उन्होंने इसराइली एम्बेसिडर को ही बोला था कि भाई आप मुल्क से बाहर हैं ना, यहाँ से उनको निकाल दिया था पहले से ही जब ये जंग शुरू हुई, तो उन्होंने कहा उधर ही रहिए, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उर्दुन यहाँ आपके खिलाफ जो है वो पब्लिक परसेप्शन इंतहाई ख़राब है, तो अब मत आइए इधर। अब आज ये हुआ है कि बहरीन जो है, बहरीन हाल ही में अब्राहमिक अकॉर्ड जो हुए थे उसमें बहरीन भी था, कल मैंने आपको बताया था ये रिवर्स हो रहा है, सारा का सारा प्रोसेस जो है ना हमास की कार्रवाई के बाद रिवर्स हो रहा है।
बहरेन ने अपने ताल्लुका तोड़ दिए इसराइल के साथ। आज एक और मुल्क आ गया अरबों का, जो कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है ना वो भागा भागा जा रहा था, उन्होंने तो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा निकलो भाई, इसराइल एम्बेसिडर को भी उन्होंने कहा कि हम ख़त्म कर रहे हैं, और ट्रेड टाइज भी ख़त्म कर दिए। सिर्फ सफारती टाइज नहीं, ट्रेड टाइज भी ख़त्म कर दिए उन्होंने। हम जो है वो नहीं रखेंगे किसी किस्म का कोई ताल्लुक आपके साथ। अरब न्यूज़ कहता है कि बहरीन एक्सप्रेस इसराइल एम्बेसिडर एंड कट्स इकोनॉमिक टाइज। अभी सितंबर के अंदर ही तो नाजरीन एम्बेसी खुली थी, ये नवंबर की पहली तारीख है ना, तो अभी अक्टूबर जो गुजरा है सिर्फ एक महीना हार्डली रहा है वहाँ पे, और एक महीने तक ये ताल्लुकात चले। देखिए ना, सितंबर में अल जजीरा ने लिखा था कि इसराइल ओपन्स न्यू एम्बेसी इन बहरीन एग्रीज टू बूस्ट ट्रेड रिलेशंस। अब वो एम्बेसी भी बंद और ट्रेड रिलेशंस भी ख़त्म बहरीन ने आज ऐलान कर दिया। इसकी वजह शदीद दबाव है पब्लिक का अंदर से। अरब नेशनलिज्म तो बहरहाल है ना, उसकी भी तो एक वर्थ है, जाहिर सी बात है, और ग्राउंड रियलिटी है वो भी। तो वो देख रहे हैं कि जो फलस्तीनी जो है वो इस तरह से सिविलियंस जो है मारे जा रहे हैं, तो अरब स्ट्रीट्स के अंदर गुस्सा है। और ये जो अरब हुक्मरान होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा अगर कंसर्न्ड होते हैं तो इस चीज़ पे होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी सड़कें इस तरह से, क्योंकि इन्होंने इतनी मरतबा बगावतें देखी हुई हैं, धड़न तख्ते इन्होंने इतनी मरतबा देखे हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं पब्लिक के मामले में। नहीं चाहते कि पब्लिक सड़कों पर आए किसी तरह से भी। तो ये यूजुअली कोशिश करते रहते हैं कि जब किसी मामले में पब्लिक की हमदर्दी या हमायत ना हो तो उससे दूर रहा जाए। तो इन्होंने बहरीन ने उसका मुजाहरा करके दिखा दिया, ख़त्म कर दिया उन्होंने टाइज। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि अब जो गिने चुने दो चार मुल्क बच गए हैं जिन्होंने अब्राहम अकाउंट्स किया था, वो कहा ना मैंने कि रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रिवर्स का बटन दब गया नॉर्मलाइजेशन को, तो उनके ऊपर भी शदीद दबाव है। अपोजिशन उनकी जो है वो कह रही है आप टाइज तोड़ दें। ABC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया हुआ है कि अपोजिशन माउंट्स इन अरब कंट्रीज दैट नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस विद इजराइल। कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट दैट हैव नॉर्मलाइज्ड और आर कंसीडरिंग नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इजराइल आर कमिंग अंडर ग्रोइंग पब्लिक प्रेशर टू कट दोज टाइज बिकॉज ऑफ इजराइल्स वॉर विद हमास। तो ये जो अमेरिका की जितनी भी डिज़ाइन थी नाजरीन यहाँ पे, कि चाइनीज ने अगर सऊदीज की और इनकी नॉर्मलाइजेशन करा दी है ईरानियों की, तो हम अरबों और इसराइलियों की कराएंगे। अब आग और पानी जो है ना, उसकी नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकती है? जब तक मसला है फलस्तीन मौजूद है ना, इन दोनों कम्युनिटीज़ का जो हिसाब किताब है वो इसी तरह का है। कुछ सीवियर लेवल की कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के दरमियान, सीवियर किस्म की। ये लॉन्ग टर्म वैसे भी नहीं हो सकते थे। यानी आप तो कह रहे हैं एक तरह से अरबों को कि आप गिव अप करें, मस्जिद अक्सा को गिव अप करें और फलस्तीन की जो लैंड है उसको गिव अप करें। क्या अरब इन मुल्कों के अंदर जो रहते हैं पब्लिक, क्या वो मानेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। आस्था का मसला है ना, फलस्तीन की ज़मीन जस्ट ज़मीन नहीं है ना, ये मसला है, वो किबला अव्वल है वहाँ पे। तो ये नॉर्मलाइजेशन वैसे भी नहीं हो सकती थी। अमेरिका को चाहिए था कि पहले इस मसले को हल करके फिर जाते, अपने बेसिस तो कवर करते। एक इशू हुआ है और ये सारा का सारा जो उनका स्ट्रेटजिक डिज़ाइंस थे सारे के सारे वो दपरदूस हो गए। तो ये उनके पॉलिसी मेकर्स की कमज़ोर प्लानिंग को अगेन एक्सपोज कर रहा है।